सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से हमारी प्रार्थना है, माँ अपनी दया दृष्टि हम सब पर हमेशा बनाए रखें। जब नवरात्रि की बात आती है तो मन में एक सवाल आता है, आखिर नवरात्रि है क्या? नवरात्रि माँ दुर्गा के नौ रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति की पहचान है, यही नवरात्रि है। नौ दिन तक माँ भगवती की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं और उसके साथ ही अपनी आत्मशक्ति आत्मबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपके लिए देवी के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी लाई हूँ। नवरात्रों में नौ दिन हम कौन सी देवी की आराधना करते हैं और उस देवी को हम किस नाम से जानते हैं, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा देवी का आवाहन कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं एक छोटी सी आराधना के साथ। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मदायक तो कैलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चरा चरास्य चरा चरास्य चरा चरास्य। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देवी से हमारी प्रार्थना है कि वो अपनी दया दृष्टि हमेशा हम सब पर बनाए रखें। नवरात्रि के पहले दिन हम देवी की आराधना करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। आज के दिन हम शैलपुत्री की आराधना करते हैं। शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री ऐसा मानते हैं, मगर ये एक बहुत साधारण सी सोच है। इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब आप किसी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तब आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। नवरात्रि का दूसरा दिन, आज के दिन हम ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, अर्थात जो सर्वव्याप्त है, सर्वश्रेष्ठ है, अनंत है, जिसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो असीम है, अनंत में विद्यमान है, गतिमान है, अर्थात ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक है। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्र घंटा। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक होता है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव होता है और ज़्यादातर हम अपने मन में ही उलझे रहते हैं। मन आपकी छाया के समान होता है। घंटा का अर्थ है मंदिर में लगे घंटे या घड़ियाल। इसे हम चाहे जैसे भी बजाएं, हमेशा उसमें से एक ही ध्वनि आती है। ठीक इसी प्रकार जब अस्त व्यस्त मन एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तब ऊपर उठती हुई दैव शक्ति का उदय होता है और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। यह एक ऐसी स्थिति है जब हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन, आज के दिन हम कुष्मांडा देवी की आराधना करते हैं। कुष्मांडा यह देवी का चौथा रूप है। कुष्मांडा का अर्थ है लौकी या कद्दू, मगर यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है जो पूर्ण वृत्त की भांति है और इस धरती की सबसे अधिक प्राणवान ऊर्जा प्रदान करने वाली सब्जी है। इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी है। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को और अपनी प्रज्ञा बुद्धि जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं और पूर्णता का अनुभव करें इस सर्वव्यापी जागृत
प्रत्यक्ष बुद्धिमता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्मांडा है। नवरात्रि का पांचवा दिन, क्योंकि इस दिन हम स्कंद माता देवी की आराधना करते हैं। यह देवी माँ का पांचवा रूप है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का एक साथ सूचक है। स्कंद माता जो दैवी शक्ति है और जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं और वो ज्ञान को कर्म में बदलती हैं। जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान में लिप्त होता है, तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता हैं। नवरात्रि का छठवां दिन, इस दिन हम देवी कात्यायनी की आराधना करते हैं। कात्यायनी देवी जो कि सूक्ष्म जगत, जो अदृश्य अव्यक्त है, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी ही चलाती हैं। अपने इस रूप में वह उन सब की सूचक हैं जो अदृश्य या समझ से परे है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक हैं। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं, पर यह सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित हैं। माँ क्रोध के उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती हैं, अर्थात नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। नवरात्रि का सातवां दिन, आज के दिन हम देवी कालरात्रि की आराधना करते हैं। माँ के सप्तम रूप का नाम है कालरात्रि। माँ का यह अति भयानक व उग्र रूप है, फिर भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। नवरात्रि का आठवां दिन, इस दिन हम महागौरी की आराधना करते हैं। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है। ऐसा समझिए प्रकृति के दो किनारे हैं, एक ओर माँ कालरात्रि जो अति भयानक प्रलय के समान है, और दूसरी ओर महागौरी जो सौंदर्यवान है, शांत है, पूर्णतः करुणामयी हैं, सब मनोकामनाओं को पूरा कर देने वाली हैं। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद देती हैं और मनोकामना पूर्ण कर देती हैं, ताकि आप संतुष्ट होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ें। नवरात्रि का नौवां दिन, आज के दिन हम देवी सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। यह देवी का नौवां रूप है। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन के अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ करें। आपके विचार मात्र से ही आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाएं, सबकी भलाई के लिए हों। आप किसी भी कार्य को करें, वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन में हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है, यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। ये तो मैंने बताया आपको नवरात्रि के नौ दिन, नौ देवियों के नाम और उन नौ दिनों का महत्व। कहते हैं हमारे भीतर भी एक आत्मा होती है और उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम और कई सूक्ष्म रूप हैं, और नवरात्रि इन सब से जुड़ी हुई है। इन्हीं सभी तत्वों का आवाहन, जागरण और पूजन करना है, यही नवरात्रि है। हम अपने अंदर देवी को ढूंढ लेते हैं। भगवान से हमारी प्रार्थना है, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका आने वाला वर्ष बहुत सुंदर हो। कहते हैं आज से नया संवत शुरू होता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए
कि हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से पूर्ण हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको मिली ही होगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जल्दी ही मिलते कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।